सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। हाँ तो प्यारे साथियों, ये राजा हरिश्चंद की होलियों का कार्यक्रम आप सिसोदिया कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। इस होली के रचयिता प्रसिद्ध कवि चौधरी चंदन सिंह हैं और गायक वही प्रकाश सिंह भाटी, सहायक कृपाल सिंह, वीर सिंह, दयाचंद, अरविंद और एक महाशय नए जनार्दन। तो बात उस वक्त की है कि जब हरिश्चंद को 99 यज्ञ पूरे हो जाते हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी करते हैं, तो विश्वामित्र उनकी यज्ञ पूरी ना होने के कारण विघ्न डालते हैं और एक माया रूपी सुअर का रूप बनाकर हरिश्चंद के बाग में आ जाते हैं। माली को जब पता पड़ता है, बाघ की फुलवाड़ी टूट जाती है, रुदन मचा देते हैं, तो बाघ का माली राजा हरिश्चंद के पास जाता है। हरिश्चंद 500 जवान लेकर के सुअर के पीछे भागते हैं। वो विश्वामित्र जो सुअर का रूप धारण किए हुए था, गंगा के किनारे पहुंचता है भागता हुआ और वहां गंगा में जाकर के एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक लड़की को लेकर के आता है। उसकी शादी के लिए 100 भार सोना मांगता है। उधर वो लड़की हरिश्चंद से राजपाट की चाबी मांग लेती है। तो किस तरह राजपाट देकर वो 60 भार सोना रह जाता है, उसका तगादा विश्वामित्र करता है ब्राह्मण रूपी और हरिश्चंद को छलने की कोशिश करता है। हरिश्चंद प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं तब तक अन्न और जल नहीं खाऊंगा तब तक आपका ऋण नहीं उतार दूंगा। तो रानी से आकर के कहता है हरिश्चंद मदनावत से, और मदनावत किस तरह अपने पति को समझाती है हरिश्चंद को और क्या कवि ने टेक लिख दी है, सुनिए होली हरिश्चंद। अरे पिया, ओ मेरे पिया, सत मत हारे रे मेरे पिया, सत मत हारे मेरे अरे सत्य बराबर और जगत में, अरे सत्य बराबर और जगत में, ना कोई वास्तु है रे दूजी, ना कोई वास्तु है रे दूजी वाला, कोई वास्तु है दूजी। सात धर्म है सुरग नशेणी, सत पुरुषों की है पूंजी रे वाला, सत पुरुषों की है पूंजी रे वाला, सत पुरुषों की है पूंजी। जो बाकी रहे रे उदार, जो बाकी रहे रे उदार, पिया सोरण के सोबार, पिया सोरण के सोबार, पाते रे ते
से तुम्हें चलो भी प्रके पास करी जोड़ करू यारी दास रे चरणों में शीश नवा के ये कैक तो कवार बुलाया जब छाती सरे लिपटाया जब छाती सरे लिपटाया उसे सारा हाल सुनाया रे गोदी में गवारी उठा के महलों में से चल दिए अरे संग लिए रोता रानी राजा कोवर जी भई गए विप्र के पास। रानी रोहतास और हरिशंग विप्र से जाकर के क्या कहते हैं, हाथ जोड़ निगर राजा बोलिया सुनो गुरु मेरी बाणी मेरे पास नहीं एक देला दई तुम्हें सब रजदानी मैं और मेरी रानी लड़का बाकी बचे तीन प्राणी सुमरण के सो बार निमटा लो हमको बेच गुरु ज्ञानी। इस तरह कहने लगा कि हमारे शरीर को बेच करके आप अपने स्वर्ण के सो बार प्राप्त कर लें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, हमने तो राजपाट सभापि को दे दिया, तो किस तरह राजा हरिश्चंद से विश्वामित्र कहते हैं और ये कहते हैं क्या कहते हैं, काशी के बाजार के लिए लेकर के चल देता है विश्वामित्र और क्या होता है, वो बच्चा पैदल नहीं चला था, भूख प्यास से व्याकुल था और किस तरह एक भजन में समाज में लिख दिया, मत ना रोवे रे दिल में धीरज धार मत ना रोवे रे दिल में धीरज धार मत ना रोवे रे दिल में धीरज धार गणे दुख पाए रे थरे ऊपर हुकम चलाए रे मैंने बहुत गणे दुख पाए रे थरे ऊपर हुकम चलाए रे अब ब्राह्मण तकत बैठाए रे देखो हम तो हुए फकीर मत ना तुम्हारा रे अब इसका तको सहारा रे हुआ दमन ताज तुम्हारा रे अब इसका तको सहारा रे हा इतना ही सजा मारा रे अजी हो गया मराया
तरह क्या कहने लगा, पब्लिक को समझाने लगा राजा कि अब आपका राजा ये ब्राह्मण है। अरज गुरु मेरी सुन लीजो, अरज गुरु मेरी सुन लीजो, अरज गुरु मेरी सुन लीजो, दुखी मत पर जाको कीजो, दुखी मत पर जाको कीजो, दुखी मत पर जाको कीजो, निरप जो बाजी हारे प्रजा को मारेगा। अरे न्याय नीत सत धर्म समझ के मैंने राज गुरु तुझे दिया, मत सत हारे मेरे पिया, मत तरह राजा अपने बच्चे और राजा रानी को लेकर चल देता है। चलते चलते आ गई प्याऊ एक अनु वृक्षन की छाया घनी, तो शीतल जल का कू, पानी से परेशान थे, खाना और पीना त्याग रखा था तीनों प्राणियों ने, तो विश्वामित्र उनका सत जगाने के लिए पानी लाता है और कहता कि पानी पियो, तो राजा मना कर देते हैं कि हम धर्म नहीं हारेंगे। धर्म नहीं हारेंगे ऋषि सोच मन मेरे, धर्म नहीं हारेंगे ऋषि मन में, अरे पढ़े शिक्षा अरे उपदेश, ए पढ़े शिक्षा अरे उपदेश, सभी कर चुप हुए खामोश, सभी कर चुप हुए खामोश, सभी कर चुका जतारे रे, भरम नहीं हारेंगे ऋषि सोचे मन मेरे, काशी को फिलफोर बेच खोच कर अब करूं, अरे सोचूंगा कुछ और, गवन जब कीना चन मेरे, धर्म नहीं हारेंगे निसी सोच गई काशी की राह, लूगर से गर्मी पड़े अरे तपता था खरसा, बान हुआ तेज मगन मेरे, धर्म नहीं हारे।
तरीका से राजा हरिश्चंद, रोहतास और रानी मदनावत को विश्वामित्र काशीपुरी में ले जाते हैं और काशीपुरी में जा करके आवाज लगाते हैं और क्या कहते हैं कि ये तीन प्राणी हैं, इन्हें मैं बेचने के लिए आया हूं। अरे ब्राह्मण तब कहने लगा मदनावत रोहतास, इन दोनों का मोल है 2250। एक रामलाल ब्राह्मण आ जाता है लड़का और रानी को खरीदने के लिए। इन दोनों का कीमत 50 भार सोना है। अरे सोरण पात सोरण भार 50 एक संग बिके पुत्री और मेहतारी, बाकी भार 50 दिनों में बिके निर 75 धारी। लादे सोरण तोल मोल ले लड़का और दासी प्यारी, दिल चाहे सो काम कराना सेवा खूब करे थारी। इस तरह की आवाज ऋषि ने काशी में जाकर के आवाज लगाई। दोनों की कीमत भी प्रजी एक ठोड़ तुम कहते नहीं, दोनों लेते हैं दासी मोल फिर लड़का हमें देते नहीं, लड़का हमें देते नहीं, लड़का हमें देते नहीं, पेशा हमारा नाचने का काम आठो या मेरे भाई, कर भोग पर पुरुषों के संग धन लूटने का काम है रे, धन लूटने का काम है रे, धन लूटने का काम है रे, ले जाए घर हमें नाचना गाना सिखाएंगे इसे, गाना पुतली भली गण का बनावेंगे इसे, गण का बनावेंगे इसे, गण का बनावेंगे इसे, ना लड़का हमको चाहिए दासी की कीमत कहिए, ऋषि सत बचन फरमाइए एक साची बात सुनाइए रे, बोलो हरे। इस तरह गणका ने आकर के कहा कि हमें पुत्र की जरूरत नहीं है, हमें तो इस दासी की जरूरत है और हम इसको मोल ले सकते हैं, इसकी कीमत बताइए। जब गणका आकर के सौदा रानी मदनावत का करती है तो रानी मदनावत घबरा जाती है और क्या कहती है, बहुत अच्छे बचन सुने गणका के रानी घबराई रे, बचन सुने गणका के रानी मदनावत पड़ी रोज, हाय राम क्या ठन लई, अरे गण का लेती मोल,
भूल गई सब चतुराई रे, वचन सुन गण का केलाई घम बंधन करूं विनय सुनो भगवान, मुझ निर्धन की लाज तुम अरे राखो कृपा निदान, आन मेरी करो सभाई रे, वचन सुन गण का के रानी घबराई रे, वचन सुन गण का के ईश्वर से प्रार्थना करने लगी और क्या कहने लगी, या तो टेक राख लो ना तो तजू पिराण, गण का बनने की नहीं अरे तज दू कुल की आन, जान खो दूंगी आई रे, वचन सुन गण का के रानी अगम निगम कहेगा, दुनिया दीन विचार कर अरे दीजो प्राण बचाए, दूर कर दे कर डाई रे, वचन सुन गण का के रानी घबराई रे, वचन सुन गण का के ईश्वर से स्तुति करती है और क्या कहने लगी रानी मदनावत, हे प्रभु मेरी लाज तो आप ही रखते हैं, भक्तों के रखवाले हैं, और क्या एक भजन के द्वारा कहने लगी, अरे स्वामी मेरे रे राखो जन की तेरे, स्वामी मेरे रे राखो जन की तेरे, स्वामी सदा काज भगत के सारे रे तने जन पहला दयो बारे रे, सदा काज भगत के सारे रे तने जन पहला दयो बारे रे, खले हिरणा कुश से मारे रे तुम बन के आ गए से रे, स्वामी ने Yeah.
बिना नात कहा तेरे तुम्हें वेद सास तरेगा तेरे तुम्हें बिना नात कहा तेरे सदा उनकी टेक रखा तेरे ना करते पल की देर स्वामी ने पक्षी सुर नर सारे रे सभी तुझके पालन हारे रे पशु पक्षी सुर नर हारे रे दुखी मेटो नाथ हमारे रे लई गऊ सिंह ने घेरे मेरी रे मैं तो करूं प्राण की ढेरी रे जो छुना लेगा मेरी रे मैं तो करूं प्राण की ढेरी रे मैं दिन दुखी हो तेरी रे एक नजर मेहर की तेरे ईश्वर से प्रार्थना करती है और क्या कहती है हे प्रभु आप ही मुझे इस दरिया से निकाल सकते हैं अगर मैं गणका ने खरीद ली तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा बहुत अच्छे भाटी जी और क्या कवि ने ईश्वर की माया का वर्णन किया है कहते हैं थोड़ी ही देर में उस ईश्वर ने कुछ बानर वहां भेज दिए और आकर के उन्होंने गणका को झपटा मारा और भगा दिया तो गणका जान बचा करके भागती है और क्या ईश्वर की माया फिरती है थोड़ी ही देर में एक कालिया भंगी हरिश्चंद्र को लेने के लिए आता है और ऋषि से आकर के पूछता है कि इसकी कीमत क्या है तो क्या भजन लंगड़े में कवि ने
लिख दिया। अरे इस हरिया का मोल तू सुन काले चितला लूंगा सोरण तोल में, अरे इसके 50 बार नहीं छोड़ू एक पाई रे। भजन सुन भांगी के कीमत बतलाई रे। चातुर होशियार काम बहुत देगा तुझे, तेरी सेवा करे सुधार बड़ा ये है सुखदाई रे। वचन सुन भांगी के कीमत बतलाई। स्वर्ण पार 50 दिया ऋषि को तोल जब, अरे लिया मोल का दास घाट की सूरत लगाई रे। वचन भांगी के कीमत बतलाई। घट दरम्यान टूटी सी एक झोपड़ी बई थी जंगल सुनसान, लगे डर दिन में ही भाई रे। वचन भांगी के शमशान भूमि में ले जाता है, और शमशान भूमि में जाकर के हरिया क्या राजा हरिश्चंद्र को बताता है कार्यभार, एक झोपड़ी थी वहां जाकर के शमशान भूमि में क्या कहने लगा। अरे बंगी बोलिया रे सुन हरिया धर ध्यान, बंगी बोलिया तेरा रे तू नौकर है अब मेरा रे, मैंने ऋण मिटाया तेरा रे। करी मरघट के मैं बा शेरा रे इस झोपड़ी के दरम्यान, मानी
केड़ा रे करी कफन सब से लेना रे तू लेना करियो केड़ा रे करे कफन तक का लेना रे बिन करमती फूकने तेरा रे यहाँ तक मेरा समझान दे जावे रे वो मुर्दा तुरत जलावे रे जो कर का फन दे जावे रे वो मुर्दा तुरत जलावे रे बिन दिए फूकन ना पावे रे चाहे निर्धन या धन लगने तू दीजो रे कब सवार रूपा ले दीजो रे कब दाग लगने तू दीजो रे मत शर्म किसी की कीजो रे ये कहना मेरा तो प्यारे साथियों किस तरह राजा हरिश्चंद्र को कालिया भंगी शमशान भूमि में ड्यूटी लगा देता है उधर एक रामलाल ब्राह्मण लड़का और रानी को ले जाता है तो राजा हरिश्चंद्र को 30 रोज अन्न खाए हुए हो जाते हैं दुर्बल शरीर हो जाता है तो रानी वर्णा नदी से पानी भरने के लिए जाती है रानी का सहारा तकता है मगर रानी उसका घड़ा नहीं उठाती लाचार हो जाता हरिश्चंद्र उधर रोहतास को रामलाल ब्राह्मण फूल लेने के लिए भेजता है रोहतास में बाग में रोहतास को तो वही विश्वामित्र किस तरीका से बाग में जाकर के उस लड़के को दस्ता है और क्या कवि ने टेक लिख दी है ये लिख दिया अरे चुटिया पकड़ लई होनी ने
अरे चुटिया पकड़ लई होनी ने डंका सिर पे बाज रहा खबर नहीं थी आज दसेगा काल शीश पे गाज रहे अरे सर के ऊपर डेरा जब किया बागी का फेरा रे रोशन में घुसा हरिया जब देखा रंग चमन का सब दुखड़ा भूलिया रे तन का नहीं ख्याल माली और तन का रे दिए राज पाठ विसरा बाग में बढ़ जाता है और चारों तरफ घूमता है फिरता है देखता है क्या होता है अरे खूब सैर करूं आज बाग की ऐसे के तारे डोले मन में रोता जाके पहुंचा उसी फुलवाड़ी में उसी रोश में जाता है जहां विश्वामित्र नाग का रूप धारण करे हुए बैठे हुए थे अरे जाके पहुंचा फुलवाड़ी में जहां ऋषि ने पलटी काया तोड़न लगा कली चंपे की विषियर नजर नहीं रे आया भुया फूल देख करे राजी डरे तोड़ तोड़ के तो ताजी विषियारी की तो लग गई बाजी सर पे काल विराज रे जा विषियर बदन छिपाया चले उसी जगह पर आया और फूल को हाथ लगाया ऋषि ने कोप उठे ऋषि अरे मारा डंक बीच गाई के जका फीका जहर बदन में रोतास धसरे रोशन में उसी विश्वामित्र ने उस बच्चे को डस लिया और जहर बदन में फैल गया हाथ से टोकरी छुट जाती है फूलों की और क्या होने लगा अरे रो
कवर पड़ा धरनी में जक नीर भरा रे नैन ऐसा हो जाए कोई काशी अरे ऐसा हो जाए कोई काशी और माता पे खबर करे तेरा लाल नागनरी काया बड़ा बाग में दुख भरे काशी को ले जावे काशी को ले जावे मेरी मात बोल कर लावे मेरी मात बोल कर लावे जा उसको हाल सुनावे रे सुतलियारी नाग ने रो रो मारे मैं तारी रो रो मारे मैं तारी और रुदन करेगी बारी रुदन करेगी बारी हुई परदेशों में ख्वारी कहते भी मैं से बताने का रे हुया कवर बेहोश होते ना रया बताने का रे कई मुर्दाई छाए रंग सब बदला ताने का जकने नो ढलते प्यारे उधर रोहतास बोलता बोलता मुंह में झाग आ जाते हैं और आवाज देता देता बेहोश होने लगता है और शरीर में जहर फैल जाता है और क्या मालन आती है भाग दौड़ करके और क्या कहती है तो मालन तारावती से जाकर के दो शब्द उस बच्चे के बाबत कहती है वो कुएं पर पानी भर रही थी रानी मदनावत और कहती है कि एक बच्चा फूल में लेने के लिए बाग में गया था और उसको काली नाग ने दस लिया तो बेचारी दुखियारी अपने पुत्र की चोट बर्दाश्त ना कर सकी और क्या कवि ने टेक लिख दिया अरे रुदन मचाया अरे रुदन मचाया सुते की सुन रुदन मचाया अरे गिर गया डोल कुए के अंदर ए गिर गया डोल कुए के अंदर
हाथों से ने जू छूटी, भैया हाथों से ने जू छूटी, भैया हाथों से ने जू छूटी, खाए पछाड़ गिरी पण गट पे मैं दुखिया हर ने लूटी रे भैया, मैं दुखिया क्या फिरी राम की माया, फिरी राम की माया, सारा राज पाटी छुटवाया, सारा राज पाटी छुटवाया, अन बहुत घना दुख पाया रे इने परदेशों में आके, मैं अब बागन कोरे जा कवर पड़ा वही पाऊं, जा कवर पड़ा वही पाऊं, मैं तो अपने प्राण गवाऊं, और क्या लूंगी जतन बना के। ऐसे रोने लगी मदनावत और क्या कहने लगी, अरे कर्म ही परदेश लिया लाया, कर्म ही परदेश में लेकर के आया और कर्म नहीं राज छुटवाया, और क्या कहने लगी, अरे अब रोने में का दरिया है, तने लिखा रम लिखा सोरे पाया, सुते की सुने रुदन मचाया, रे रेखा है न्यारी कर्मों की, सारी काशी में शोर हो जाता है, सारी काशी बाग के लिए भागती है, और क्या होता है, अरे काशी दौड़ चली बागन को, अरे काशी दौड़ चली बागन को, शुद्ध बुद्ध भूली है तन की, जैसे सारस सर के ऊपर डकराई मदनावत की रे, चल बाग के अंदर आई, चल बाग के अंदर आई, और कुंजा सी डकराई, कुंजा सी डकराई, रोशन में तो गई दुलाई, विपता कब तक सहू बना, रानी ढूंढती फिर रे चमन दुखी थी मन में, अरे बहुत दुखी थी रे मन में, कुछ बाकी नहीं बदन में, ढूंढा कंवर बाग मेरे जाके, रोस रोस में फिरे ढूंढती, दे दे तेरे पुकारे थी, थी बेहोश खबर नातन की, वृक्षों में सर मारे, जिंदा हो तो बोले कवर जी, चारों तरफ निहारे थी, गिरती पड़ती फिरे बाग में, रो रो शब्द पुकार, क्या कहने मासे जी, फुलवाड़ी अंदर गई जा पड़ा रोता, गस खा पृथ्वी में पड़ी, अरे देख पुत्र की लाश।
खुशी फुलवाड़ी में चली जाती है, जहां रोहतास पड़ा था पुत्र की लाश को देख करके गस खा जाती है। शीस धरनी में दे मारा, शीस धरनी में दे मारा, शीस धरनी में दे मारा, बहीने नो से जल धारा, जाके मुख में आरे जाग यो लीली पड़री थीरे काया। पुत्र को गोदी में उठा लेती है और विलाप करती है और क्या कहती है, इस तरह रोने लगी और कहने लगी अपने पुत्र की अग्नि में, अरे परदेशों में आज कवर जी आज छिन में हुआ रे पराया, सुत की सुने रुदन मचाया, अरे सुख की गोद लाल तू सोया, ए सुख की गोद लाल तू सोया, बिपता में बिपता लाड़ी, बिपता में बिपता लाड़ी, बिपता में बिपता लाड़ी, गोदी भी चला से कवर की रोवे थी रानी नाड़ी रे भला, रोवे थी रानी नाड़ी भला, रोवे थी रानी नाड़ी, सुख नींद सोया रे रोता से, सुख नींद सोया रे रोता से, तेरा पिता नहीं तेरे पास, तेरा पिता नहीं की लाश जब तो रोई कंठ लगा, इस तरह रोने लगी और क्या कहने लगी, मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, और क्या ढोला की तर्ज में लिख दिया कवि ने, ए रे एक कौड़ी ना पास कहां से दफन ल्याऊं, कावर तो एक से उठाऊं, तेरे तू सोया सुखे की नींद कावर तो एक से उठाऊं, जाऊं का ततवी मेरे जाऊं कहां ततवी, अरे निर्भागन के चंद्र मारे मेरी फोड़ चला रे काके, इस तरह रानी मदनावत रोती है और अपने पुत्र की लकड़ी वकड़ी तलाश के लिए कफन के लिए बिलखती है, कहती है कि अब तो तेरा पिता भी यहां नहीं है, और क्या कहने लगी, ये कहने लगी। हाँ तो प्यारे साथियों, इससे आगे का भाग आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे, वो कैसेट भी सिसोदिया कैसेट के माध्यम से ही आप तक पहुंचाई जाएगी। उसके गायक भी प्रकाश सिंह भाटी और साथ ही कृपाल सिंह, दयासन, वीर सिंह, अरविंद और महाशय जनार्दन होंगे। तो अगला भाग आप इस कैसेट में दूसरा भाग सुनेंगे और हमारी नई नई होलियां के किस्से सिसोदिया कैसेट के माध्यम से ही सुन पाएंगे।